हितग्राहियों के आशियानों के सपने साकार करने के लिए प्राधिकरण विभाग द्वारा आवास मेले का आयोजन किया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण का आवास मेला गुरुवार को आयोजित किया गया। अपने घर का सपना साकार करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेले में संपत्ति खरीदने में रुचि दिखाई। विकास प्राधिकरण ने भरतपुरी स्थित प्राधिकरण के प्रांगण में आवास मेला आयोजित किया गया। इस मेले में फाइनेंस देने के लिए बैंकों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शामिल मकान प्लाट पाने के लिए शहर के कई लोगों ने हिस्सा लिया। सीईओ सुजान रावत ने बताया कि ऑनलाइन पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली बोली के आधार पर इन प्लाटों और भवनों को बेचा जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का प्रबंध तथा व्ययन व नियम 6(2) एवं संबोधित नियम के अनुसार निम्न संपत्तियों का टेंडर बोली के आधार पर अनुमोदन किया जाएगा। ये हम लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से चूँकि हम लोग ऑनलाइन पूरा विक्रय करना चाह रहे थे, उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है और अब हम तैयारी कर चुके हैं ऑनलाइन की। आज 2 दिवसीय ये मेला हमने आयोजित किया है ताकि चूँकि हम ऑनलाइन के माध्यम से विक्रय कर रहे हैं तो ऑनलाइन के संबंध में लोगों को हम जानकारी दे सकें। एक ही छत के नीचे प्राधिकरण की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जानकारी हम यहाँ पर लोगों को दे सकें और जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी हम लोगों को बता सकें, इसलिए ये आवास मेला आज हम लोग यहाँ पर 2 दिवसीय कर रहे हैं। इस बार खासियत है कि हम सारी प्रॉपर्टीज़ को फ्री होल्ड में हम विक्रय कर रहे हैं और कम्प्लीटली ये ऑनलाइन है तो किसी भी कस्टमर को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। वो या तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से अपना फॉर्म सबमिट कर दें, एमपी ऑनलाइन की हमारी वेबसाइट है जिनसे हमने टाइप किया हुआ है उनके माध्यम से, या अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो जो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एमपी ऑनलाइन के कियोस्क में अलग से कोई उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि चूँकि हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ये एक पूरा ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। सारी विज्ञप्तियाँ वहाँ पर हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर हैं, कितनी राशि है, कितना अमाउंट जमा करना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन अपलोड कर दी है। कोई किसी के बहकावे में ना आए कि वो किसी को कुछ दिला सकते हैं या कोई ऐसी दावा करते हैं, वो पूरा गलत है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो हमको बताए, हम के खिलाफ़ में इसमें कार्रवाई भी करेंगे।